गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मीना, मीना किचन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, मेरे खीरे की बेल, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया था। मिर्ची, लहसुन और हैंड वॉश मिला के मैंने इसमें स्प्रे भी किया था, लेकिन कीड़ा बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सारे पत्ते निकाल दिए हैं। इक्का दुक्का ही कोई बचा हुआ है। ये देखिए, एकदम भर भर के इसमें लग गया था हरे रंग का कीड़ा, अभी भी है। मिर्ची लहसुन का मैं स्प्रे करती रहूँगी इसमें, अब 15-20 दिन में एक बार। ये देखिए दोस्तों, मेरा बैंगन अच्छा चल रहा है। इस घिया की बेल को भी आज मैं शिफ्ट कर दूँगी। ये मूली, भिंडी, काफ़ी भिंडियाँ आ रही हैं इसमें, एक पेड़ में, पेड़ भी काफ़ी लंबा हो गया है। ये देखिए दोस्तों जो ये खीरे की बेल है, इसमें ये जो खीरा आया हुआ है, ये देखिए बहुत कांटा है इसमें, देसी खीरा है ये, कांटा बहुत है। जो पहले भी हमने खीरे तोड़े थे उसमें भी बहुत कांटे थे। ये देखिए, अभी एक ही आया हुआ है इसमें खीरा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कद्दू, ये कद्दू की बेल है, इसमें भी फ्लावरिंग वगैरह हो रही है। ये देखिए, फल भी इसमें आ रहा है, पता नहीं ये बढ़ेगा कि नहीं। हमारी सेम की बेल, इसमें भी फूल आ रहा है। करेला, ये देखिए दोस्तों, इसी में मैंने लोबिया गाड़ दिया था, वो भी हो गया है। गाजर, मटर, आलू, बैंगन के पेड़ इस कट्टे में मैंने शिफ्ट कर दिए थे। ये देखिए, खीरे की बेल उखाड़ दी थी इसमें से मैंने, कीड़ा लग रहा था। ये मिर्ची और गोभी के भी मैंने इसमें लगा दिए हैं। ये देखिए, मिर्ची में भी अब फूल आने लगा है, शायद मिर्ची भी वहाँ मिल जाएंगी। गुआर की फली, इसका भी सब पत्ता निकाल दिया था कीड़े की वजह से। ये देखिए, इसमें भी मैंने गोभी लगा दी। ये देखिए मिर्ची, ये भी मिर्ची, इसमें जितनी भी मिर्ची थी सब रेड हो चुकी थी, वो मैंने निकाल दी है। 5 मिर्ची मुझे मिली थी इसमें से। ये देखिए दोस्तों, पालक का बीज भी मैं थोड़ा थोड़ा सब जगह छिड़कती रहती हूँ। और ये भी हो गई है भिंडी, एक दो दिन में हमें भिंडी भी मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, तुलसी जी के खूब पेड़ हमारे यहाँ हो रहे हैं। कभी तुलसी जी हमारे घर में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हर कट्टे में, हर गमले में तुलसी जी खूब हो रही हैं। नर्सरी वाले भैया ने कहा था कि हमें पेड़ दे दिया करो, मैंने बोला पेड़ के बदले पेड़ दे दिया करो, मुझे भी मेरे से पेड़ ले लिया करो, सब्जी का या तुलसी जी का, उसके बदले में मुझे पेड़ ही दे दिया करो। ये देखिए दोस्तों, बैंगन, बैंगन में काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। और ये हमारी धनिया, धनिया भी काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी। ये अजवाइन, कैक्टस, ये भी मिर्ची के पेड़ हैं, इनमें भी अब फ्लावरिंग होने लगेगी, इस वाले में तो होने लगी है। धीरे धीरे हमें ये वाली मिर्ची भी मिल जाएंगी। ये हमारी सरसों, देखिए दोस्तों, पालक काफ़ी अच्छी हो गई पालक हमारी, 4-5 दिन में ये भी शायद तोड़ने लायक हो जाएगी। मेथी, तुलसी जी, और ये भी मेथी है, देखिए दोस्तों,
तुलसी जी के पेड़ मेरे अभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए अभी एक तुलसी जी मैं और दिखाऊंगी जो मैंने गैलन काट के उसमें लगा रखी थी, उस वाले पेड़ को भी दिखाऊंगी मैं अभी, उसको मैंने दूसरे में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए पॉपकॉर्न, ये वाले भी आज मैं गमले में शिफ्ट करूंगी। ये देखिए दोस्तों ये दोनों पिटूनिया के हैं, जेरेनियम, मैरीगोल्ड, ग्रीन लिली। ये ऐसे फैली फैली सी हो गई थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टांग दिया है इसमें कपड़ा। ये देखिए दोस्तों जाफरी गेंदा में भी काफ़ी कलियां आ रही हैं, इसमें काफ़ी हमें फ्लावर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों जो तुलसी जी हमारी इस वाली गैलन में लगी हुई थी इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। और इसकी लेंथ देखिए आप कितनी बड़ी जा रही है, मतलब अपने सहारे तो ये रुकी नहीं रही थी, तो मैंने इसमें कपड़ा बांध दिया है और एक डंडी लगा दी है साइड में जब ये रुकी है, तो लेंथ इसकी बहुत बड़ी जा रही है। बहुत ही अच्छी चल रहा है तुलसी जी का पेड़ हमारा। ये देखिए दोस्तों टमाटर, सभी टमाटर में छोटे छोटे में भी सब में फ्लावरिंग होने लगी है और शायद हमें अब टमाटर भी मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये टमाटर गुच्छे गुच्छे में इसमें काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं, दिखाऊं तो ये देखिए ये दिख रहा होगा तो काफ़ी टमाटर इसमें आ रहे हैं, अब हमें टमाटर भी मिल जाएंगे। और ये पेड़ मैंने लगाया नहीं था दोस्तों, ये अपने आप ही हो गया था, लगाए हुए पेड़ तो मेरे बचे ही नहीं थे एक भी, और इनमें अब फ्रूटिंग होने लगी है। हैंड पोलिनेशन भी मैंने कर दिया था और पोलिनेटर्स भी बहुत आते हैं। लेकिन हैंड पोलिनेशन भी मैंने कर दिया था दोस्तों, किसी ने कमेंट किया था कि हमारी छत गार्डनिंग के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो लोग दो दो मंजिल के मकान बनाते हैं और उसमें बेड, सोफ़ा, अलमारी सब चीज़ें रखते हैं, क्या उनमें वज़न नहीं होता? और इनमें कितना वज़न होगा? उनसे कम वज़न तो इनमें होगा। तो हमारी छत अभी इतनी कमज़ोर भी नहीं है जो लोड ना उठा सके। और मेरी ये जितनी भी मिट्टी वगैरह जो भी बनी है इनमें ज़्यादातर रेत और गोबर की खाद मैंने यूज़ करी है, और इन कट्टों में सब में इतना वज़न नहीं है, ये मैं आराम से उठा लेती हूँ। और छज्जे की बात है तो छज्जे पे मैं ज़्यादा लोड नहीं डालूँगी, लेकिन इनमें ज़्यादा वज़न नहीं है और गाय के गोबर की खाद मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ दोस्तों। मिट्टी में वही यूज़ करती हूँ जिसमें रेत मिला हुआ था, रोड के किनारे से ही लेके आती हूँ मिट्टी में, और कहीं से नहीं लाती। देखिए दोस्तों मकान में हम जब दो मंजिल के मकान में हम सामान रखते हैं उनमें भी तो वज़न होता है ना, लेकिन उनसे तो बहुत कम वज़न है हमारे इसमें। देखिए ये कट्टे में आराम से उठा सकती हूँ, इसमें कोई ज़्यादा वज़न नहीं है, बाकी अभी तक कोई दिक्कत भी नहीं आई है। बारिश की वजह से ही मेरी छत गीली रहा करती थी, लेकिन पानी भी मैं इनमें उतना ही देती हूँ जितनी इनको ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा पानी भी नहीं देती मैं। ये देखिए दोस्तों प्लीज़ मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों प्लीज़।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करने में, और मैं काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी हूँ। पीछे मुड़ के देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और प्लीज़ मेरा साथ दें। बिना आपके साथ के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। आप सबका साथ मिला है जब भी मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये काम करने में, पीछे मुड़ के देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा दोस्तों। बाकी की बातें मैं अगली वीडियो में करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। गार्डनिंग मैंने शुरू क्यों की इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी। ओके बाय दोस्तों।